कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है कोरोना वाला। तो जितना हो सके उतना घर पे रहिए, बाहर कम निकलिए, अगर इमरजेंसी ना हो तो बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आप ज़्यादा फैंटम बनेंगे तो आपके परिवार में काफ़ी लोग हैं, जैसे बच्चे बूढ़े वगैरह, तो आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार को डाल सकती है। तो ज़्यादा बाहर ना आइए, स्टे सेफ स्टे होम। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ लाइटरूम में फ़ोटो एडिटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं यार तो फ़ोटो एडिटिंग बहुत अच्छी करता है। तो चलिए मैं आपको आज फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लाइटरूम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको सभी चला लेते हैं, मोबाइल में बहुत अच्छा चल जाता है। अगर आपके पास पीसी वगैरह या नहीं है पीसी लैपटॉप, तो आप मोबाइल में बड़े अच्छे से इसको चला सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है फ़ोटो एडिटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फ़ोटो है और मैं इसको एडिट करने वाला हूँ आज। तो मैंने ऑटो पे करके देखा है पहले ये कैसा होता है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसमें अपने एक्सपोजर को थोड़ा डाउन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हाइलाइट्स कमी ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें दिख रहा है। शेडोज थोड़ी कम करते हैं, वाइट को भी हम कम करेंगे, ब्लैक को भी हम कम करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने जो कलर वाला सेक्शन होता है, इसमें हम थोड़ा सा नेगेटिव में जाएंगे, टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे टिंट में, टिंट को थोड़ा सा ऊपर, फिर वाइब्रेंस को थोड़ा सा ऊपर, सैचुरेशन को हम नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम मिक्स में जाएंगे, मिक्स में हमें करना क्या है, येलो वालों पे हम करेंगे, हम थोड़ा सा इसको ग्रीनरी टाइप में या ऐसे टाइप में करेंगे। फिर इसके बाद हम सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ल्यूमिनेंस को हम नहीं बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे ग्रीन में और इसको हम थोड़ा कम करेंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ल्यूमिनेंस में ल्यूमिनेंस को हम नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर हम अपनी स्क्रीन को हम थोड़ा सा रेडनेस दिखाएंगे, थोड़ा सा चमक होगी चेहरे पे। फिर इसके बाद ये सैचुरेशन कम करके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हम रेड कलर में जाएंगे, हमें रेड कलर में हम थोड़ा कम करेंगे, ये थोड़ा यहाँ थोड़ा बढ़ा देंगे सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर इससे देखते हैं कोई चेंजेस होता है क्या, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसके बाद ये वाला, ये भी तो नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्या, क्योंकि पैंट के साथ मेरी जो जीन्स है उसके साथ वाटर का कलर भी चेंज हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें थोड़ा सा माइनस करेंगे, थोड़ा डार्क जीन्स थोड़ी डार्क लगेगी तो थोड़ा सही लगेगा। इसके बाद इससे वैसा नहीं हो रहा है तो इसको यही रंग देते हैं, हम उसको डन कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे, ये ऐसा था और ये देखिए ऐसा हो गया है, काफ़ी अंतर तो इसमें आ चुका है। अभी हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम जाएंगे इसमें इफेक्ट्स में, टेक्सचर को थोड़ा सा, नहीं टेक्सचर को हम नहीं बढ़ाएंगे, क्लियरिटी को थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिग्निटी को थोड़ा सा डाउन करेंगे। फिर इसके बाद मिड पॉइंट सही है, हाईलाइट हम पहले कर चुके हैं, बाकी हम इसमें जाएंगे शार्पिंग, इसमें रेडियस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिटेल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मास्किंग को हम नहीं करेंगे, नॉइस रिडक्शन को नहीं करेंगे,
कंट्रास्ट को भी कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको सेव, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऐसा था और ये ऐसा हो गया। तो इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, क्योंकि हमें जाना है स्नैपसीड में। तो जैसे कि तुम आप देख सकते हैं हम लोग जो हैं अपने स्नैपसीड में आ गए हैं। और फिर हम इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करेंगे। फिर इसके बाद हम अगर हमें थोड़ा सा अपने जींस के कलर को वाइट या ब्लू करना है तो थोड़ा वाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अपने बालों को ठीक कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये। फिर इसके बाद हम अपने चेहरे को भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे कोई दाग वगैरह है तो आप ऐसे इसको हीलिंग टाइप में करके ऐसे ऐसे कम कर हटा सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम इसके विंटेज को अलग अलग टाइप से देख सकते हैं कौन सा सही लग रहा है हमें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम सीविनिटी थोड़ा सा और कम कर रहे हैं, इतना नहीं, ये इतना रखेंगे। इसके बाद हम बाकी ज़्यादा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा था, ऐसा हो गया है। और अगर अभी आपको अपने दाग वगैरह करने हैं तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा अपने चेहरे को थोड़ा चमक लाना है या थोड़ा वाइट करना है तो आप वाइटनेस से जाके थोड़ा थोड़ा टच करके आप इसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं थोड़ा सही लग रहा है, आँखों पे भी सही आ रहा है। तो इसके बाद अगर आपको अपने कपड़ों का कलर चेंज करना है तो आप इस तरह बता ही चुका हूँ, आप इससे कर सकते हैं। ये सही लग रहा है और नहीं ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो इसको आप ऐसे करके इतना सही है, इसको आप कर सकते हैं। बाकी फ़ोटो तो सही लग रहा है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।